वेल मेरी तो मैंने अपनी फेवरेट पिक कर ली है, एक तो ये तो स्प्लिट ये खूबसूरत फूल और बेल्स कलेक्शन जो है, जैसे मैंने उनको देखा तो एक बहुत सीरीन, बहुत ही कामिंग इफेक्ट ऐसा लगा मुझे जब मैंने पहले मेरे दर्शन हुए उनके, और बहुत खूबसूरत आर्ट है और ऑफकोर्स फर्नीचर पे भी पेंटिंग किया गया है वो कुछ अलग है, और सबसे बड़ी बात है कि ये कॉज के लिए जो ये पेंटिंग्स बेच रहे हैं वो पेंटिंग से बढ़कर कॉज है, और बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी कला अपनी मेहनत को इस तरीके से इतने वक्त इतना टाइम डाल के इतना मेहनत डाल के एक अच्छी कॉज के लिए एकदम डोनेट कर देते हैं। तो ये इवेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है क्योंकि ये कैंसर बच्चों के लिए है, टाटा रिसर्च सेंटर के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए, उनकी रिसर्च के लिए, तो ये हम ही लोग हैं जो ये अवेयरनेस पैदा कर सकते हैं, और ये इनका बड़प्पन है जिन्होंने इतना मेहनत करके इतनी खूबसूरत कलाकारी करके डिसाइड कर लिया कि बस ये पेंटिंग्स अब डोनेशन में चले जाएंगे। बहुत ही अमीशा जी की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इंस्टेंटली हाँ कर दिया जब मेरे हस्बैंड ने फ़ोन किया, तो इमीजिएटली उन्होंने पूछा, अच्छा कॉज के लिए है, आर्ट है, डेफिनेटली मैं आऊँगी। सो थैंक यू सो मच अमीशा जी, इट्स रियली सो स्वीट एंड वंडरफुल ऑफ यू। और दूसरी बात ऐसी कि मैं खुद एक आर्किटेक्ट हूँ, एक आर्टिस्ट हूँ, तो द बेस्ट वे मुझे मालूम है कि मैं कुछ कॉज के लिए कर सकती हूँ तो मेरी जो कला है उससे बढ़कर क्या है, बिकॉज ये मेरे लिए साधना है। तो फॉर मी आई थिंक टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल के लिए ये सब फंड्स जाने वाले, एंड स्पेशली रिसर्च एंड ट्रीटमेंट फॉर चिल्ड्रन, तो उसके लिए टेरी फॉक्स फाउंडेशन से हम देने वाले हैं। तो सेकंड थिंग इज़, अगर आपने देखे तो मैं काफ़ी स्टाइल्स में डील करती हूँ, कहीं बेल्स है जो स्पिरिचुअल है, फिर प्योर एब्स्ट्रैक्ट्स है, फिर कंटेम्पोररी है, आर्किटेक्चुरल ज्योमेट्रिक्स है, तो ऐसे 3-4 स्टाइल्स में मैं डील करती हूँ। तो मैंने सोचा एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही मेरे एग्जीबिशन में थोड़े थोड़े सब सीरीज रखी, तो क्यों नहीं, इसके लिए मैंने ये सोचा। और मुझे लगता है हम कुछ भी अच्छा काम करने के लिए जाए तो बहुत सारे हाथ आगे आते हैं, एंड देर आर लॉट ऑफ पीपल टू हेल्प यू। सो थैंक यू सो मच आप लोगों को भी कि आप सब आए, थैंक यू सो मच। वेल बहुत जल्द मेरी होम प्रोडक्शन देसी मैजिक, जो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, उनकी टीज़र, उनका टीज़र निकला था, तो उस पर काम चालू है, और भैया जी सुपरहिट सनी देओल के साथ फिलहाल ये दोनों, मेरा मेन फोकस मेरे होम प्रोडक्शन पे था क्योंकि ये मेरा डेब्यू होम प्रोडक्शन है, तो देसी मैजिक से फुर्सत ही नहीं मिलती कुछ और काम करने के लिए। तो फिलहाल देसी मैजिक और भैया जी सुपरहिट, ये दो फिल्में जो मैंने 2 साल पहले इन पे काम किए थे, तो ये इन पे ये काम ख़त्म होगा, और काफ़ी स्क्रिप्टों पे काम चल रहा है, तो धीरे धीरे वो भी ओपन हो जाएगा कि क्या क्या करते हैं। नहीं, मैं ये राकेश रोशन जी का प्रोडक्शन है, मैं ये बहुत ही बेवकूफ़ सवाल है क्योंकि ये मैं प्रोडक्शन में नहीं खोल सकती, ये राकेश रोशन जी पे डिपेंड है कि उनको करना है कि नहीं। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरी इच्छा से ज़्यादा ये लोगों की इच्छा है, ये फैंस की इच्छा है कि कहना प्यार है पार्ट 2 निकले, और मोर देन एनी अदर प्रोजेक्ट ऋतिक और मेरे साथ वो हमें फिर से एक सीक्वल में देखे। लेकिन ऑफकोर्स ऋतिक के साथ तो फ्यूचर में काम होगा ही, लेकिन कौन सी फिल्में होगा, या वो सीक्वल में होगा या कोई और फिल्में होगा, ये आपको वेट करना पड़ेगा।